इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित राजकुमार ब्रिज के नीचे बीते सप्ताह हुई चाकूबाज की एक घटना में घायल बीते शाम डीआईजी कार्यालय आरोपी के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचा और सख्त कार्यवाही की मांग की। दरअसल इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित राजकुमार ब्रिज के नीचे स्नेहलतागंज के रहने वाले नदीम अहमद पर नयापुरा के रहने वाले आमिर गोरी ने अपने 3 साथियों के साथ किसी बात को लेकर चाकू से हमला कर दिया था, जहां आरोपी ने फरियादी नदीम के पेट और कमर में चाकू से वार किए और मौका देखकर फरार हो गया। उपचार के बाद गुरुवार को फरियादी थाने पहुंचा तो उसे पता चला कि आरोपी पर त्वरित कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते फरियादी नदीम अहमद अपने साथियों के साथ रिगल तिराहा स्थित डीआईजी कार्यालय पर बीती शाम आरोपी पर सख्त कार्यवाही के लिए अपने साथियों के साथ पहुँचा, जहां मीडिया के सामने घटना की जानकारी देते हुए फरियादी ने आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? मेरा नाम नदीम अहमद है और मेरे पे मतलब आमिर गोरी नाम का जो लड़का है नयापुरा निवासी, उसने मेरे को छोटी सी बात को लेके चाकू से बार बार हमला करा, जानलेवा बिल्कुल प्राणघात हमला किया, जिससे मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब मैं मरते मरते बचा हूँ। और मैं जब मेरे साथ हादसा हुआ उस टाइम मैं राजकुमार ब्रिज के नीचे सिर्फ अपने एक दो बहन के साथ खड़ा था और वो इसके 3 अन्य साथियों के साथ आया और बोलता कि तू मेरे मतलब क्या है कि बुरे बुरे करता है, इस छोटी सी बात को लेके 4 बात भी नहीं की उसने मेरे से। और इतने में जो उसके अन्य साथी थे सारे मेरे ऊपर मारा कुटी करने लगे, इसमें मैं डर के मारे भगा तो आमिर गोरी मेरे पीछे भगा और उसने मेरे को धक्का देकर गिरा के मेरे पे हाथापाई स्टार करके चाकू निकाल के मेरे पेट में यहाँ पर और मेरी कमर पे पूरा वार कर दिए। कब की घटना है ये? और ये सर है ना 28 तारीख की रात 12 बजे की घटना है। 28 अप्रैल 12 बजे जी। ये नयापुरा का रहने वाला है और आमिर की किस प्रकार का कोई रिश्ता जी? ये उसके बहुत मतलब ऐसे है कि उल्टे सीधे काम है सारे, मतलब सारे नशे करता है, सारे जितने भी बुरे काम है सारे लिप्त कामों में है, लेकिन हमेशा क्या करता है कि ये जब भी कभी पकड़ाता है पैसों के बलबूते पे थानों में सेटिंग करके छूट जाता है। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं भी इसनेरगंज कॉलोनी में रहता हूँ, गुजरात भवन अपार्टमेंट। आपने क्या किया फिर घटना के बाद में? सर मैं जैसे खून में लथपथ था मैं थाने गया, थाने में मेरे को खून में लथपथ था तो मैंने वहाँ बोला कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, मेरे को थाने पर भरोसा था पूरा। तो फिर वहाँ से मैं बोल के उन्होंने बोला ठीक है हम पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और क्या बोलते हैं उसको सजा देके जेल पहुँचाएंगे, ऐसा बोल के मैं MY अस्पताल हमें को मेडिकल के लिए पहुँचा दिया। अब MY अस्पताल जब मैं मेडिकल के लिए आया सर तो क्या बोलते हैं वो डॉक्टर ने मुझे नली डाल के पूरा चेक करे कि तुम्हें बहुत खतरनाक अंदर तक के घाव हैं पूरे और उसके बाद तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो कि इन्फेक्शन फिर के तुम मर जाओगे। सर मैं क्या काम करते हैं सर? मैं घबरा गया था पूरा तो उसके कारण मैंने बाहर भैया को बोला कि भैया मेरे को बचा ले यार तू कहीं दूसरी जगह ले चल। तो इसने फिर मेरे को डर के जिंदगी देख के इसने मेरे को CHL अपोलो हॉस्पिटल में ICU में एडमिट कराया, जहाँ मैं 4 दिन मेरा डॉक्टरों ने इलाज किया, उसके बाद मुझे जनरल वार्ड में और बस भगवान ने मुझे नई जिंदगी बख्शी है। और सर मैं बस इतना चाहता हूँ। काम क्या करते हैं सर? मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ। अब आप क्या करेंगे आगे सर? अब मेरी हालत इसी नहीं अभी तो क्या मैं कब क्या सोचूं, क्या मैं तो बस ये नई जिंदगी दी भगवान ने, बस सर मैं इतना चाहता हूँ कि आपके द्वारा कि मैं बस मेरे को इंसाफ मिले और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए कि मेरे आप देखोगे मेरी हालत मेरे चलते भी नहीं बनता है, बस कि उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब घाव पहुँचाए हैं। आपका नाम बताओ। बस जिंदगी ऊपर मालिक ने दी, किसी का बुरा नहीं किया सर मैंने कभी जिंदगी में। आपका नाम बता जी? नदीम अहमद नाम है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।